तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक वीडियो को प्ले किया है, देखिए ये मैंने खुद बनाया है। गांव से एक बंदा जा रहा है, गांव का बंदा है ये, और यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये निकलेगा, दूसरे गांव में जाएगा और दूसरे गांव में जाकर एक जंगल में जाएगा जहाँ इसे एक जलपरी मिलने वाली है। तो यहाँ से देखिए ये निकला, ये देखिए यहाँ से जा रहा है और अब ये जंगल में जाएगा। तो ऐसे करके फ्रेंड्स आप कहानी बना सकते हैं यूट्यूब पर काफ़ी अच्छी अच्छी, और यहाँ पर आप बना सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे कार्टून्स और यूट्यूब पे अपलोड करके कमाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जंगल में आया, यहाँ पे झरना बह रहा है, अचानक एक जलपरी आई और जलपरी बोली और ये पेड़ की आड़ में छुप कर देखिए उस जलपरी से कुछ बोलने लगा, वो इसको वरदान दे रही है। ऐसे करके यहाँ पर एक कार्टून स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो आप कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से, यहाँ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए जो कि आप सबके पास होगा और उसी से ऐसे वीडियो बना सकते हैं। तो ऐसे वीडियो बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल में एक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए तो मैं बताता हूँ आप इसी तरीके के प्रोफेशनल कार्टून वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो मैं उस ऐप को यहाँ ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ऐप है काइन मास्टर, यहाँ पे आप देखिए जब भी इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा न्यू प्रोजेक्ट, और ये देखिए मैंने जो अभी वीडियो दिखाया था ये मैंने अभी अभी बनाया था और आपके लिए देखिए यहाँ पे वो बंदा जा रहा है और यहाँ से ये निकला, ये देखिए वही वीडियो है, लेकिन मैं आपको इसे बनाना शुरू से बताने वाला हूँ। यहाँ से बैक किया मैंने और बैक जैसे ही मैंने किया देखिए यहाँ पर दिखता है आपको काइन मास्टर को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक कर देना है। यूट्यूब का साइज होता है 16.9, यहाँ से क्रिएट कर देना है और क्रिएट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ले लेना है अपना बैकग्राउंड। तो हम ये सब बैकग्राउंड के ऊपर बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड लेने के लिए फ्रेंड्स देखिए इसे कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे समझ जाएंगे मैंने कैसे बनाया था। बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बना के आपको दिखा दूँगा, आप बस ध्यान से देखना वीडियो को। और यहाँ से फ्रेंड्स ब्लैक बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पे कर देना है आपको लेयर पे क्लिक, मीडिया पे जाना है, मीडिया पे जाने के बाद आपको कार्टून बैकग्राउंड, तो कार्टून बैकग्राउंड को लेने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे कार्टून बैकग्राउंड। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला एक बैकग्राउंड लिया था और फ्रेंड्स इसके बाद एक ही इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए मैंने इसे इतना बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे एक बैकग्राउंड और ले आते हैं, तो लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड यहाँ पे एक और ले लेंगे, तो ये वाला लिया था, इसे थोड़ा बड़ा और कर लेते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड और लिया था, वो बैकग्राउंड भी यहाँ पर ले आते हैं, देखिए यहाँ से तीन बैकग्राउंड मैंने लिए थे। और फ्रेंड्स यहाँ से जंगल का एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, देखिए ये आ गया जंगल का बैकग्राउंड। और इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा जंगल का बैकग्राउंड जो आया इसको भी बड़ा कर लेंगे और इसी पे हमें झरना वरना लगाना है सब, यहाँ पे परी हमें जल परी को भी दिखाना है, ये देखिए इसको भी बड़ा कर लिया मैंने। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गलती हो रही है, हमारे जो बैकग्राउंड है ये छोटे हैं, तो इसको एक बार क्लिक करके बैकग्राउंड को इसे पूरी स्क्रीन पे ले आएंगे, देखिए ये हो गया पूरी स्क्रीन पे। और फ्रेंड्स ये वाला भी ये छोटा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको भी बड़ा कर लेंगे, फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर सेट कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स इसको भी यहाँ पर बड़ा कर लेंगे, देखिए ये भी बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये भी बड़ा हो गया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, उस किसान को ले आना है। तो फ्रेंड्स मैंने ये जो वीडियो बनाया है किसान का, ये मैंने बनाया था फ्रेंड्स क्रोमा टून ऐप से, यहाँ पे ये देखिए क्रोमा टून ऐप से मैंने ये किसान बनाया था। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, और बड़ा करने के बाद हल्का सा इसे क्रॉप कर लेंगे, देखिए यहाँ पे क्रॉप मिल जाएगा, ये है क्रॉप, इसको ऑन करेंगे और यहाँ से इसको क्रॉप कर देंगे, ये देखिए क्रॉप हो गया। अब इसे बैक करेंगे, यहाँ से बैक किया और बैक करने के बाद इस पर एक बार और क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखेगा क्रोमा की, इसे ऑन कर देंगे। और देखिए ये थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, जो आपका कैरेक्टर है फ्रेंड्स यहाँ पे उसे बिल्कुल वाइट दिखना चाहिए, देखिए यहाँ पे बिल्कुल वाइट दिख रहा है, कोई निशान नहीं है इसके अंदर।
और जो बैकग्राउंड था ग्रीन कलर का उसे ब्लैक दिखना चाहिए, और उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे तो अच्छे से आपका बैकग्राउंड यहाँ गायब हो जाएगा। अब देखिए इसे यहाँ ले आते हैं, और यहाँ लाने के बाद फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ से चलने लगा है। अब यहाँ से फ्रेंड्स जहाँ से ये चला है लेफ़्ट साइड से उड़ा देंगे, और उड़ाने के बाद इसे खींच के यहाँ ले आएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा कार्टून यहाँ से चलने तो लगा है लेकिन एक ही जगह खड़ा है, तो इसे फ्रेंड्स जहाँ हमारा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है उतना ही बड़ा काटना है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड यहाँ तक है, तो हम इसे यहाँ से कट लगा देंगे। ये देखिए स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे कट लग जाएगा, ये देखिए कट लग गया है यहाँ पे। और फ्रेंड्स इसके बाद इसे क्लिक करना है एक बार, जो कार्टून की लेयर थी जो हमारा चलने वाला कार्टून था उस पर एक बार क्लिक करना है, और यहाँ पे चाबी का साइन दिखेगा दोस्तों, ये दिख रहा है देखिए यहाँ पे, इस पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स यहाँ से क्लिक करने के बाद इसको आगे बढ़ा देना है, देखिए ये आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ से फ्रेंड्स इसको उठा के इस रोड के साथ साथ यहाँ पे देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से इसे चलाते हुए इस रोड के साथ साथ यहाँ से आगे निकाल देंगे। देखिए निकाल दिया। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा कार्टून यहाँ से चलते हुए जाएगा, प्ले कर देंगे, देखिए फ्रेंड्स चलते हुए कार्टून निकल जाएगा रोड से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कोई कहानी या तो लिख लेनी है, या फिर फ्रेंड्स आप ऐसी कहानी बना लीजिए जो कार्टून कैरेक्टर पे, इस कैरेक्टर पे या जो आपका कैरेक्टर है उस पर सूट करे। अब देखिए यहाँ से निकल गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया, हमारा कार्टून यहाँ पर खड़ा है। अब फ्रेंड्स इस पर एक बार क्लिक करेंगे, इसे यहाँ ले आएंगे, ये देखिए यहाँ ले आए। अब फ्रेंड्स इसके बाद इस बैकग्राउंड तक, जहाँ तक ये बैकग्राउंड है हमारा, ये देखिए ये है बैकग्राउंड यहाँ पे, यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा बैकग्राउंड, तो इस पर भी एक कट लगा देंगे, यहाँ कैची पे क्लिक करके स्प्लिट कर देंगे तो ये कट लग जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसके साथ भी वही करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, चाबी पे क्लिक करेंगे और इसे लास्ट तक ले आएंगे, और यहाँ से चलाते हुए फ्रेंड्स इस कार्टून को यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ले जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा कार्टून कैरेक्टर कितने अच्छे से चलता हुआ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप कोई कहानी दे सकते हैं, एक दो कैरेक्टर और ऐड कर सकते हैं इसके साथ चलने वाले। अगर कोई समस्या कोई दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स मुझे कमेंट कीजिए, मैं 100% आपको उसका उत्तर दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए ये कार्टून यहाँ से निकल के दूसरे गांव में पहुँचा और दूसरे गांव को भी क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे बैकग्राउंड के हिसाब से आप इसे कहानी देंगे और कहानी के हिसाब से अपने बैकग्राउंड लगाएंगे। ये देखिए निकल गया, अब ये आ गया है इस जंगल में, ये देखिए फ्रेंड्स इस जंगल में आ गया है ये यहाँ पर, और इस पर एक बार क्लिक करके फ्रेंड्स इसे भी बड़ा करना भूल गए थे हम लोग, तो इसे इतना बड़ा कर लेंगे। ये देखिए बैकग्राउंड हमारा सेट हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस कार्टून को छोड़ देना है, अभी इस कार्टून में कुछ नहीं करना है। अभी यहाँ पे हमें एक झरना लेके आना है, ये देखिए लेयर पे क्लिक किया, मीडिया पे क्लिक किया, और फ्रेंड्स यहाँ पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स में मैंने झरना वगैरह डाउनलोड कर रखा था, तो यहाँ पर ये वाला झरना ले आते हैं। ये देखिए ये झरना आ गया, इसको यहाँ पहाड़ के बीच में ले आते हैं, ये देखिए इसे बड़ा करके यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये झरना यहाँ पे सेट कर दिया, इसे थोड़ा यहाँ रखते हैं फ्रेंड्स, और इसके बाद यहाँ पे हमें दो पेड़ लाने हैं, झरने को बड़ा कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। अब यहाँ पर झरने को जहाँ तक हम बड़ा करेंगे तो अपने कहानी के हिसाब से बैकग्राउंड भी सारे वहाँ तक रखेंगे। देखिए मैंने राइट हैंड साइड से इन सबको बैकग्राउंड जितने भी हैं इन्हें उड़ा देना है, क्योंकि हमारी कहानी यहीं तक है, तो ये देखिए झरने को भी यहीं तक रखना है, ये देखिए झरना यहाँ तक रख दिया हमने। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कार्टून कैरेक्टर यहाँ से आएगा, अब देखिए झरना आ गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा अच्छे से फ्रेंड्स बैकग्राउंड के साथ आप झरने को भी सेट करेंगे। देखिए बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया था लेकिन झरना नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे देखिए आप दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें लाना है एक पेड़, तो मैं पेड़ को लेके आता हूँ। देखिए मैंने पेड़ भी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, और इसका बैकग्राउंड मैंने गायब कर दिया था यहाँ पे, देखिए एक पेड़ लेके आया,
ये आ गया पेड़, इसको बड़ा करके यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए मैंने एक बड़ा पेड़ यहाँ पे लगा दिया है। और फ्रेंड्स बड़ा पेड़ यहाँ पे लगाने के बाद एक इसी पेड़ को फ्रेंड्स डुप्लीकेट कर लेंगे। देखिए ये वाला पेड़ मैंने डुप्लीकेट किया और एक पेड़ डुप्लीकेट करने के बाद इधर ले आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ले आएंगे। और फ्रेंड्स हमारे जो पेड़ थे इसको भी अपने बैकग्राउंड और वीडियो के बराबर जो वीडियो लेयर थी यहाँ तक ले आएंगे। और फ्रेंड्स इसको भी पकड़ के हम पीछे तक ले जाएंगे। अब देखिए ये हमारे बैकग्राउंड तक आ गए हैं दोनों पेड़। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक आ गए हैं। अब देखिए हमारा कार्टून यहाँ पे है, ये आया कार्टून। अब कार्टून की लेयर यहाँ पे देख लेनी है, इस पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ कार्टून के स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे। देखिए कार्टून की लेयर ये है और स्टार्टिंग में यहाँ पर क्लिक किया। और इसके बाद फ्रेंड्स चाबी पे क्लिक करेंगे और लास्ट में ले आएंगे। और फ्रेंड्स इस वाले कार्टून को पकड़ के यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे लाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लाने के बाद फ्रेंड्स इसको छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लाने के बाद इसको छोड़ दिया, ये कार्टून आया। और कार्टून जब यहाँ पर पहुँचेगा तब जल परी यहाँ पर झरने से निकलेगी और इसको कोई वरदान देगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए कार्टून जब भी हमारा यहाँ पे आगे आया, ये देखिए आगे आ रहा है कार्टून, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कार्टून नहीं दिख रहा है क्योंकि झरना सामने है। तो अब आपको यहाँ पे करना है इस वाले थ्री डॉट पे क्लिक और यहाँ से आपको कर देना है बैक। ये देखिए ये है बैकवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड कर देंगे तो कार्टून आगे आ जाएगा। ये देखिए कार्टून आगे आ गया है। तो फ्रेंड्स देखिए इसके पीछे ये यहाँ से जैसे ही क्रॉस करेगा तो जलपरी यहाँ पे प्रकट हो जाएगी, यानी कि इसको वरदान देगी, चुपचाप आएगी और ये डर जाएगा और कार्टून एक जगह खड़ा रहेगा। हमको ऐसा दिखाना है अपनी कहानी में। तो यहाँ लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया से हमें एक जलपरी को ले आना है। तो ये है जलपरी और ये देखिए जलपरी यहाँ पर आ गई है और जलपरी यहाँ पर देखिए प्रकट हो गई है। तो जलपरी को भी हम क्रॉप करेंगे पहले। ये देखिए क्रॉप है, यहाँ से ऑन करेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स इसको अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ से सेट करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे, बैक करने के बाद इसका क्रोमा की ऑन कर देंगे। ये देखिए क्रोमा की ऑन किया और इसका बैकग्राउंड यहाँ से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कह रहा था इसे बिल्कुल वाइट दिखना चाहिए और ये वाइट दिख नहीं रहा है इस समय, तो यहाँ से इसे वाइट कर देंगे। ये देखिए पूरा वाइट हो गया। यहाँ से सेट करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स ये जलपरी यहाँ पे प्रकट हो जाएगी और ये डर से यहाँ पे छुप जाएगा। ये देखिए यहाँ तक आई। तो यहाँ पे हम इसे राइट हैंड साइड से गायब कर देंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे जलपरी पे एक बार क्लिक करेंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे झरने के पास। ये देखिए झरने के पास यहाँ पे लेके गए, थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। देखिए झरने के पास लेके गए जलपरी। ये जैसे ही कार्टून यहाँ पर आएगा ये देखिए जलपरी यहाँ पर आ जाएगी, आ गई फ्रेंड्स। लेकिन जलपरी अभी हमारे किसान के आगे आ रही है तो जलपरी को यहाँ से क्लिक करेंगे और ये थ्री डॉट दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बैक कर देंगे। देखिए बैक, सेंड टू बैकवर्ड। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बैक कर देंगे और ये बैक चला जाएगा। देखिए जलपरी यहाँ पे बैक चली गई है हमारी और बैक जाने के बाद ये किसान को कुछ वरदान देगी और किसान यहाँ से वरदान लेके कुछ भी कहानी आप ऐसे करके एक बना सकते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल वीडियो लगेगा ये। ये देखिए ये वीडियो मैंने जो बनाया ये तैयार हो गया है, सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पे मैंने एक प्रोफेशनल कार्टून वीडियो बना दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे माइक दिख रहा है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपनी कहानी बोलने लगेंगे। तो एक किसान था, वह बड़ा परेशान था अपने घर से गरीबी के कारण, भूखा प्यासा। एक दिन वो गुस्से में अपने घर को छोड़कर चल दिया, दूसरा गांव देखिए दोस्तों यहां पे आ गया है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहां से वो आगे बढ़ता चला गया जहां उसे एक जंगल दिखा और जंगल में जैसे ही वो पहुंचा एक जलपरी उसे मिली। तो यहाँ पर देखिए ये रिकॉर्डिंग भी हो गई फ्रेंड्स और मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए ये रिकॉर्डिंग हो गई। अब यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए बोलने लगेंगे। तो एक किसान था, वह बड़ा परेशान था अपने घर से गरीबी के कारण, भूखा प्यासा। एक दिन वो गुस्से में अपने घर को छोड़कर चल दिया। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये दिख रहा है
यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ से आप वीडियो की क्वालिटी देख लेंगे, फुल HD या 4K में आपको सेव करना है तो यहाँ से सेव कर देंगे। और ये देखिए ये जल्दी जल्दी यहाँ पे सेव हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके 100% दूंगा। तो यहाँ पे ये देखिए सेव हो गई है। यहाँ से बैक करेंगे, अपनी गैलरी में जाएंगे और यहाँ मैं आ गया हूँ देखिए गैलरी में। गैलरी में सबसे टॉप में आपको आपका वीडियो मिल जाएगा। तो एक किसान था, और ये देखिए वो किसान वाली कहानी यहाँ पे प्ले हो गई है। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।